जिला हाथरस के सिकंदराव थाना क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में हम मौजूद हैं। अभी कल एक खबर आई थी कि ओडिशा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कुछ जवानों के ऊपर हमला कर दिया था, जिस जवान में 3 जवान शहीद हो गए थे और 7 जवान वहां घायल हुए थे। उन्हीं में से एक जवान जिला हाथरस के इस गांव के रहने वाले थे, जिनका नाम शिशुपाल सिंह था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और उनके जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। आप यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं या किस तरह से यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स, तमाम पुलिस के जवान और तमाम सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं, जिनका अंतिम संस्कार यहाँ अब से थोड़ी देर में किया जाएगा। उसकी तैयारी यहाँ लगातार की जा रही है। एक बार तस्वीरें कहूँगा दिखाएगा तो वही देश के वीर जवान हैं, जिन जवानों की वजह से आज हमारा देश शांति से रह पाता है और जिस देश में हम रहते हैं उस देश के जवान लगातार एक के बाद एक ऐसे ही शहीद होते रहते हैं और वो अपने देश के लिए बलिदान देते हैं। ये भी भारत माँ का लाल एक यहाँ शहीद हुआ, जो इस गांव में जन्मे, इस गांव में खेल कूद के बड़े हुए और बड़े होने के बाद उन्होंने देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ को ज्वाइन किया और आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ कुछ ही समय बाद होने वाला है, जो नक्सली हमले में शहीद हो गए। आगे भी हम आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।